जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है टर्की में जो अर्थक्वेक्स आया उसके बारे में। रिसेंटली इंडिया ने भी अपने एनडीआरएफ की टीम और डब मेडिकल टीम भी वहाँ पे भेज रखा है ताकि वहाँ के लोगों को कुछ हेल्प की जा सके। तो हम इस टॉपिक में जानेंगे कि टर्की में अर्थक्वेक आने का रीजन क्या है और टर्की के थोड़े से जो उसके आसपास के जो सी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं थोड़े से इनके बारे में, हम अपन नॉलेज बढ़ाते हैं। टर्की अर्थक्वेक व्हाई डिड हिट एंड व्हाई वाज इट सो डिडली। ये इतना हिट क्यों, वो कहाँ हिट किया है और ये इतना खतरनाक क्यों था, इतना दर्दनाक क्यों था, इसके बारे में जानेंगे। इसमें बहुत सारे लोग, 5,000 से भी अधिक लोग मारे गए हैं और बहुत से लोग घायल हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो हुआ है कि साउथ ईस्टर्न जो टर्की है वहाँ पे ये मतलब आपको ये अर्थक्वेक आया हो जो सीरिया के बॉर्डर के नज़दीक है। जो मॉर्निंग में आया है मेन एक रीज़न ये था कि काफ़ी लोग इससे घायल हुए हैं। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक आया एकदम नियर द टाउन गाजियन टीप, तो आप ये शहर को याद, नाम याद रखें जो ये शहर किस शहर में आया हुआ था। ठीक है, टाउन ऑफ गाजियन टिप वॉज क्रोडली फॉर बाई न्यूमरस आफ्टर शॉक, मतलब एक के बाद एक कई शॉक्स आए वहाँ पे, इंक्लूडिंग वन क्वेक विच वॉज एलमोस्ट लार्ज लार्ज आई द फर्स्ट, जो पहला तो काफ़ी बड़ा था। वाई वाज इट सो डेडली, ये इतना खतरनाक था। आप मैप में देख सकते हैं कि पहला जो होता है गाजियन टिप में, यहाँ पे 7.8 का आया हुआ है, दूसरा इधर आया हुआ है टर्की में ही, तो वो भी 7.5 का है, तो इसे थोड़ा सा कम है, पर दोनों ही काफ़ी मतलब घातक माने जाते हैं। तो ये क्यों था? तो पहला एक तो रीज़न ये था कि जो इसमें फॉल्ट हुई है, जो एक 100 किलोमीटर का फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट का मतलब सबको पता है कि उसमें काफ़ी लंबी एक दरार पड़ जाती है जिससे जो आसपास के जो कमज़ोर बिल्डिंग होते हैं वो मतलब धराशायी हो जाते हैं, गिरते हैं, इस वजह से लोग उसमें काफ़ी घायल हो जाते हैं। तो इसमें जो विशेषज्ञ मानने हैं उनका कई मानना है कि जो मतलब अर्थक्वेक आया सुबह में आने की वजह से ये इतना थोड़ा डेडली हो गया है, मतलब खतरनाक हो गया है, क्योंकि वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़े से उतने मतलब मजबूत नहीं है, क्योंकि वहाँ कम आता था तो इस वजह से उस हिसाब से बने नहीं थे। ठीक है, और पहले 10 सालों में ऐसा कुछ आया नहीं था, इस वजह से थोड़ा लोग मतलब वहाँ इस तरह से मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था वो मतलब वो इतना मजबूती से हुआ नहीं था। दूसरी बात है कि अर्ली मॉर्निंग में आने की वजह से लोग मैक्सिमम लोग सो रहे थे और जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा घायल हो गए। ठीक है, तो इसमें जो आप एक बिल्डिंग का पिक्चर भी देख सकते हैं कि कोलैप्स बिल्डिंग इन स्कैंड्रम में, देखो बिल्डिंग पहले कितनी अच्छी थी और सुंदर भी दिख रही थी, लेकिन जो स्कैंड्रम में जो बिल्डिंग है जो आफ्टर अर्थक्वेक के बाद कितनी बुरी तरीके से ध्वस्त हो रखी है। ठीक है, तो अब हम इसमें जानेंगे व्हाट इज कार्ड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण क्या होते हैं। सबने हमने जाने हैं ज्योग्राफी के बुक में कि जो भी हमारी अर्थ है वो प्लेट से बनी हुई है, तो प्लेट आपस में मूव करती है, तो जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आने का एक रीज़न ये भी रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फॉल्ट लाइन अराउंड टर्की एंड सीरिया जो ये है, तो वहाँ पे जो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं जिसमें अरेबियन प्लेट और एंटोलियन एंटोलियन प्लेट है, तो ये आपस में मतलब इनके टकराने या बोल सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ ये मतलब ये इनके रगड़ने की वजह से, मतलब आप बोल सकते हैं इनके मतलब टकराने की वजह से ये अर्थक्वेक आया है। तो आप देख सकते हैं कि दो रीजन है कि जो अरेबियन प्लेट्स है और जो एंटोनिया प्लेट्स है, इनके आपस में टकराने की वजह से ये मतलब एक अर्थक्वेक आया का। तो दूसरा रीजन ये था कि भाई वहाँ के जो मतलब डेडली होने की वजह से, मतलब जो वहाँ के जो रूम जो घर है वो उसके कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं थे, इस वजह से ज़्यादा मतलब लोग वहाँ पे घायल हुए। अरेबियन प्लेट है, आपको पता है कि ये नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इस प्लेट से टकराती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मतलब जो भी अंदर की जो रॉक्स होंगी अगर वो कमज़ोर होंगी या तो मतलब वहाँ पे फॉल्ट्स आएंगे और उनके चांसेस रहते हैं। आप थोड़े से हम देख लेंगे, यहाँ बगल में मेडिटेरियन सी भी है। ठीक है, और यहाँ सीरिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीरिया है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो प्लेट में जो फ्रिक्शन हुआ वो रिस्पॉन्सिबल हुआ था फॉर डैमेजिंग अर्थक्वेक इन द पास्ट, मतलब पहले भी इस तरह से हो चुका था। अर्थक्वेक जो होता है उसमें स्ट्राइक जो स्लिप फॉल्ट होता है, जो जाहिर सी बात है कि जब उसमें फॉल्ट आएगा जो अंदर की जो रॉक्स अगर मजबूत कमज़ोर होंगे तो उनमें
जब ये प्लेट्स आपस में ये टकराएंगे या जो भी होगा तो वहाँ पे फॉल्ट जो पैदा हो जाएगा, तो उसकी वजह जो आसपास की जो बिल्डिंग्स है जो भी है वो चीज़ें मतलब वो काफ़ी फ्रैक्चर होंगे, काफ़ी डैमेज होगा। तो मूवमेंट जो भी काज होता है रॉक टू डिफॉर्म, हम जानते हैं जो प्लेट्स होती है आपकी जो एक होता है मतलब तीन तरह से प्लेटें मूव करती है, तो हम उस पर एक अलग वो एक अलग टॉपिक है टेक्टोनिक प्लेट्स का, जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, तो इसमें हम उतना मतलब ये नहीं डीप में नहीं जाएंगे। अब है कि आइए देखते हैं कि हाउ अर्थक्वेक आर मेजर्ड, अर्थक्वेक मेजरमेंट कैसे होता है। तो सबको हमने पता था कि जो पहले था रिक्टर स्केल पे मापते थे नाउ, लेकिन अब हम उस पर नहीं मापते हैं, अब मापते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पे, ठीक है। क्योंकि अब जो रिक्टर स्केल है ये आप बोलते हैं कि आउटडेटेड हो गया, लेस एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें जो जो आजकल जो नया वाला है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो न्यू मेजर्स है कॉल्ड मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, MW, इसका मतलब MW छोटा है, W इसका मतलब इसे लिखने का वो तरीका है, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्रिमर जो 2.5 का जो आता है यूजली कैनॉट बी फेल्ट डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट, और जिसमें जो होता है कि अप टू 5 तक जो रहता है वो थोड़ा माइनर डैमेज करता है, ठीक है। लेकिन जो 7.8 का होता है ये मेजर मेजर डैमेज करता है, का सीरियस डैमेज इट हैज इन, आप देख सकते हैं ऊपर में। तो एरिया अफेक्टेड बाय टू मेन अर्थक्वेक, देखिए पहला जो ये है गाजियन टेप का ये वाली एरिया आप देख रहे हैं, एपी सेंटर वहाँ पे है, जहाँ एपी सेंटर वहाँ पे मतलब दिखाया हुआ है। एपी सेंटर वो होता है कि जहाँ पे मतलब जो सतह के ऊपर पहली बार जहाँ मतलब जस्ट एबव जो जो सोर्स होता है उसके जस्ट एबव अपने ग्राउंड को जो बोलते हैं एपी सेंटर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉल्ट से मतलब कितना बड़ा फॉल्ट बन गया है, ठीक है। तो फर्स्ट अर्थक्वेक और सेकेंड अर्थक्वेक दोनों का मतलब थोड़ा सा ये मैप दिया हुआ है, और ये जो पास जो ये जितने मतलब एपी सेंटर के पास में रहेगा जो ज़्यादा डैमेज होगा, जो जितना दूर होगा वो कम प्रभावित होगा, ठीक है। तो इसके और जो अदर मतलब जो इसके पास्ट में और जो मतलब ये आए हुए हैं अर्थक्वेक उनसे भी कंपेयर करके देखा जा रहा है कि हम सबको पता है कि दो अर्थक्वेक जो जापान में होता है उसमें 9 का मतलब मेजर किया गया था, उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा कम है। तो 9 का हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया था आपको पता है कि डैमेज लैंड हो गया था, सुनामी आ गई थी, जिसे मेजर इंसिडेंट्स हुए थे न्यूक्लियर प्लांट अलोंग जो भी उसके कोस्ट पे न्यूक्लियर प्लांट से वो काफ़ी डैमेज हुए थे। तो जो लार्जेस्ट अभी मतलब जो अब तक का जो सबसे मतलब जो ज्यादा अर्थक्वेक जो मतलब आया हुआ है जो माप मेजर हुआ है वो है चिली में मेजर हुआ है 1960 में, जिसका वो था 9.5, जो कि काफी आप समझ सकते हैं कि 7.8 पे जब इतना डैमेज कर सकता है तो 9.5 पे मतलब क्या हालत होगी, ठीक है। तो ये काफी मतलब ये है, और वहाँ के लोग को काफी मतलब काफी लोग डेथ हुई, काफी लोग घायल हुए हैं, और इंडिया भी अपने तरफ से काफी मतलब हेल्प कर रहा है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि जो टर्की के ऊपर ब्लैक सी है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके आसपास कौन से सी है, उनसे क्या क्या मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सी ऑफ अजो है, ठीक है। तो सी ऑफ अजो ये ब्लैक सी से कनेक्ट होता है, तो जो जो यहाँ पे क्रेच नाम की स्ट्रेट है वो दोनों आपस में ये इनको कनेक्ट करती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक सी और जो सी ऑफ मरमरा है, तो सी ऑफ मरमरा को जो कनेक्ट करती है बॉस्पोरस स्ट्रेट है, इन दोनों को कनेक्ट करती है। साथ में आप देख रहे हैं सी ऑफ मरमरा है यहाँ एजियन सी है, तो इनको जो कनेक्ट करती है डरेंडलस स्ट्रेट है वो इनको कनेक्ट करती है। तो आप देख रहे हैं जो टर्की का बॉर्डर है उसके मतलब जो ब्लैक सी से वो ऊपर टच करता है, साथ में इधर सी ऑफ मरमरा भी से भी टच करता है, इधर आगे एजियन सी से भी, और नीचे इसे मतलब मेडिटेरियन सी है इनसे टच करता है। ये थोड़ा सा हमें तीनों स्टेट का भी नाम ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन कहाँ पे मतलब कौन किससे टच कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी मतलब हेल्प करेगा ज्योग्राफी के पर्पज से और साथ में करेंट अफेयर्स के पर्पज से, किस सिटी में आया है तो थोड़ा सा उसका भी नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।